ये यूट्रस में इस पोजीशन में था, इसकी सिर्फ ये जो पार्ट था ये फील हो रहा था, ये पार्ट, ये है पिन बोन, इसकी ये फील हो रही थी, इतना पार्ट फील हो रहा था, और टेल इसकी फील हो रही थी, टेल मुझे मिली और ये पार्ट फील हो रहा था। और जब मैं आगे प्रोसीड किया तो इसकी इस पोजीशन में थी, मतलब फ्लेक्शन थी स्टाइफल की और इनवर्ड इनवर्ड पोजीशन थी दोनों हैंड लिम्स की। तो इसको हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ब्रीज प्रेजेंटेशन आती है हमें उसको पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में फर्स्ट करना पड़ता है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक अपना हाथ रख के इसको इसको हमने फ्लेक्स करना है, और जो स्टाइफल जॉइंट है इसको हमने आगे करना है। आगे करके जब ये लिम्ब सीधी हो जाएगी तो इसको इसको ऐसे करके, फिर ऐसे करके हम इसको ऐसे निकालते हैं बाहर एक, फिर दूसरी लिम्ब को हम ऐसे आगे करते हैं, फिर ऐसे बाहर निकालते हैं। तो फिर इस पोजीशन में मैंने इसको पोजीशन किया था और ये टेल आ गई। तो यहाँ से जब पोस्टीरियर प्रेजेंट में फीटस आ जाता है वो बड़ा आसानी से निकल जाता है, क्योंकि उसमें हेड के फंसने के बड़े कम चांस होते हैं। कभी कभी ये जो स्टाइफल जॉइंट होता है ये बर्थ पेल्विक हेड में कभी कभी फंस जाता है, या फिर ये पिन बोन होती है, पर थोड़ा सा मूवमेंट साइडवेज करके हम इसको फीटस को निकाल सकते हैं। अभी हमने सक्सेसफुली ये डेड फीटस हमने निकाला है, और ये फीमेल है, ये फीमेल है, ठीक है। चलो भाई अपना हो गया।